नमस्ते दोस्तों, मैं रागनी अपने YouTube चैनल फैमिली फूड में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं फूल गोभी की सब्जी। सूखी सब्जी बनाऊंगी। ये मटर को हमने अच्छी तरह से छील के और धो लिए हैं। अब चलते हैं, गैस चालू करते हैं बनाने के लिए। ये देखिए, तेल थोड़ा सा लाल हो गया है। अब इसमें डाल दूंगी पचफोरन। देखिए पचफोरन हमारा तड़क है। तो गोभी की सब्जी बनाओ, उसमें आलू नहीं डालो तो बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनती है सब्जी गोभी की। एक चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्चा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। इतना तक डाल के हम इसको अच्छी तरह से चला देते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी लग रही है सूखी सब्जी। देखिए इसमें गोभी का डंठल भी है। गोभी की डंठल की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सब्जी पकी है कि नहीं। ये देखिए, बस थोड़ा सा बाकी है, बस 10 मिनट पका हुआ है। फिर से ढक देते हैं बस 10 मिनट के लिए। चलिए दोस्तों, देखिए आप इधर सब्जी पक रही है, तब तक हम आटा सान लेते हैं रोटी बनाने के लिए। आज एकादशी है, चावल नहीं बनता हमारे घर में, तो बस सब्जी और चटनी रोटी बनाते हैं हम आज। देखिए दोस्तों, सब्जी पक रही है, सब्जी पकी नहीं है, तब तक हम रोटी बना लेते हैं इधर। चलिए दोस्तों, देखते हैं सब्जी पकी है कि नहीं अभी। ये देखिए सब्जी पक गई है एकदम अच्छी तरह से। अब हम इसे दूसरे बर्तन में खाली कर देते हैं। ये देखिए, अब हम इसी में बनाते हैं आप टमाटर की चटनी। ये देखिए, अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए, इसी में बनाते हैं। कढ़ाई में डालते हैं थोड़ा सा तेल। इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा सरसों है, काली सरसों है। तो आप देख सकते हैं टमाटर को अच्छी तरह से धो के काट ले। इसी में बटाना भी है, थोड़ा से बटाना मीन्स मटर। आप देख सकते हैं सरसों लाल हो गया है। अब डालते हैं टमाटर को। तो ये देखिए मटर भी है। आप चाहे तो हरा मटर भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालूंगी बस। देखिए स्वाद अनुसार नमक।
अच्छी तरह से चला देते हैं। ढक देंगे। दोस्तों देख लेते हैं चटनी पकी है कि नहीं। दोस्तों अब गैस को हम बंद कर दें। चटनी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। इधर देखिए सब्जी भी तैयार है। इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं ऊपर से। तो हम निकालते हैं, अब निकाल के आपको बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये चटनी दो दिन भी आप रखेंगे ना तो भी खराब नहीं होगी। टमाटर की चटनी है। और हम सब्जी को निकाल लेते हैं। ये देखिए गोभी की सब्जी कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। जो गोभी नहीं खाते होंगे उसका भी मन कर देगा दोस्तों। तो रोटी भी हम रख देते हैं थाली में। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों सब्जी, चटनी बन के रेडी हो गई है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो दोस्तों। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।